वो बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ड्राइवर समाज के लिए इतना कुछ करेंगे, लेकिन जब वो बन जाते हैं तो वो ड्राइवर के नाम से नफरत करने लग जाते हैं। जब उनको वोट मांगनी होती है तो वो हमारे पैरों में गिरते हैं, हमारे गले मिलते हैं, हमें लड्डू खिलाते हैं, और जब वो जीत जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, कुर्सी पे आ जाते हैं, तो उनको हमारे अंदर से बदबू आने लगती है। पेट्रोल, CNG, गेहूं, आटा, नमक, दाल। दाल कभी 30 रुपए किलो होती थी, आज दाल 150 रुपए किलो है। इन सबकी रेट बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन नहीं बढ़े तो हमारी टैक्सी और ट्रक चालकों के रेट। नमस्कार, मैं हूं देवेश कुमार, आप देख रहे हैं गोला टॉप वीडियो। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। अभी जैसा कि आप देख रहे हो, हम सुमित भारद्वाज जी के कार्यालय पर मौजूद हैं और हम आए हैं यहाँ पे। आपने देखा हो, काफ़ी लंबे समय से सुमित जी का इंटरव्यू नहीं लिए थे, तो आज हमने सोचा कि चल के एक बार मार देते हैं छापा। तो अभी हमारे पास कुछ सवाल थे, वो सवालों को लेकर आए हुए हैं, तो सर से सवाल करते हैं। सर तैयार रहिएगा। जो कि टैक्सी ड्राइवर हैं, इस टाइम आपने देखा है कि टैक्सी ड्राइवर पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंसाफ मिल जाए। आए दिन मीटिंग्स होती हैं, सभाएं बुलाई जाती हैं, कई पार्टियां हैं, उनके माध्यम से भी ड्राइवर जो हैं आवाज़ उठा रहे हैं अपनी, लेकिन आपको क्या लगता है कि टैक्सी ड्राइवर को इंसाफ मिल पाएगा? आपने कहा इस टाइम, मैं आपको बता दूं देवेश जी, इस टाइम नहीं, ड्राइवर तो हमेशा से ही परेशान है। इस टाइम कोई अनोखी परेशानी नहीं आई है। मैं बता दूँ कि कितने नेताओं के पुतले फूके, कितने लाठियाँ खाई, हड़तालें करे, धरना प्रदर्शन करे, हड़तालें हुई, कंपनियों पे ताले लगाए गए, शटर डाउन किए, मार पिटाई हुई, अरेस्टिंग हुई, जेल गए और कुछ ड्राइवर शहीद भी हुए, लेकिन आज तक ड्राइवर समाज को इंसाफ नहीं मिला। लेकिन ड्राइवर समाज को इंसाफ मिलेगा। कितने चढ़ गए फांसी पे, कितनों ने गोलियां खाई थी, और तुम क्या कहते हो साहिब, क्या चरखे से आज़ादी आई थी? जिस तरह लोग कहते हैं ना कि चरखे से आज़ादी आई, मैं कहता हूँ चरखे से आज़ादी नहीं आई। एक पाँव सूत काटते थे महात्मा गांधी जी, और वहाँ पे शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल्ला, राम मिलास, ना जाने कितने 7,32,000 आदमियों को एक्सेप्ट किया सरकारी हुकूमत ने कि हमने इनको गोली से मारा है, गोले दागे हैं, फांसियां लगाई हैं, और करीब 60,000 का अता पता ही नहीं कि वो कौन थे, उनके माँ बाप कहाँ के थे, वो खुद कहाँ के थे। तकरीबन 68 लाख आदमियों ने कुर्बानी दी थी और 90 वर्षों का समय लगा था जब जाके आज़ादी आई थी। देवेश जी, हमारी लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। आपका कहने का मतलब सीधा तात्पर्य समझ रहा हूँ मैं कि आप कहना चाहते हो कि क्यों नहीं मिलेगा इंसाफ, इंसाफ मिलेगा। तो नेक्स्ट सवाल है सर, जैसे इस तरीके से आज की डेट देखोगे 42 रुपये से 58 रुपये पर CNG जो पहुँच चुकी है, और साथ ही साथ जो कंपनियाँ हैं, जिन कंपनियों में टैक्सी ड्राइवर गाड़ियाँ चलाते हैं, उन कंपनी के जो रेट हैं, जो किलोमीटर के हिसाब से कंपनी रेट देती है, उनमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है। पहले की अपेक्षा कम कर दिए गए हैं लेकिन बढ़ाए नहीं गए। कमीशन कंपनी अपना पूरा काट लेती हैं लेकिन ड्राइवर का जो फेयर है उसे कम कर देती हैं। जिस तरह इंसान की उम्र बढ़ती है, आपकी उम्र भी बढ़ती है, मेरी भी बढ़ती है, नाखून भी बढ़ते हैं, बाल भी बढ़ते हैं, हर चीज़ बढ़ती है, लोगों की सैलरियाँ बढ़ती हैं। सरकारी सैलरियाँ मेरे पिताजी की 6,000 रुपये थी, आज मेरे पिताजी की 60,000 रुपये सैलरी। ड्राइवरों की क्यों नहीं बढ़ रही फिर? वही मुद्दे पे आ रहा हूँ। तो जब हर चीज़, हर डिपार्टमेंट की हर चीज़, हर महंगाई, पेट्रोल, CNG, गेहूँ, आटा, नमक, दाल। दाल कभी 30 रुपये किलो होती थी, आज दाल 150 रुपये किलो है। इन सब की रेट बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन नहीं बढ़े तो हमारी टैक्सी और ट्रक चालकों के रेट। हमारा किराया नहीं बढ़ा, बाकी सब बढ़ गया। कब बढ़ेगा ये, कब बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, ये एक बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि इसका जवाब तो वो भ्रष्टाचारी सरकारें देंगी जो सत्ता में बैठी हैं, और वोट मांगने के लिए जब उनको वोट मांगनी होती है तो वो हमारे पैरों में गिरते हैं, हमारे गले मिलते हैं, हमें लड्डू खिलाते हैं, और जब वो जीत जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, कुर्सी पे आ जाते हैं, तो उनको हमारे अंदर से बदबू आने लगती है। वो बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ड्राइवर समाज के लिए इतना कुछ करेंगे, लेकिन जब वो बन जाते हैं तो वो ड्राइवर के नाम से नफरत करने लग जाते हैं। आज तक हमने देखा है कई बार ड्राइवरों की गाड़ियों को लूट लिया गया, गाड़ियां लूटने के साथ साथ ड्राइवरों का मर्डर भी कर दिया गया है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केस आए थे कि आज ड्राइवर की गाड़ी वहां पे लूट ली गई है, एक गाड़ी वहां पे लूट ली गई। एक दिन तो ऐसा हुआ था कि रात में, एक ही रात में 3 ड्राइवरों का मर्डर हुआ था।
मर्डर हुआ था, उनकी गाड़ी नहीं लूटी गई थी, लेकिन गाड़ी से ज्यादा उनकी जान का जो नुकसान हुआ था, उनके घर वालों से पूछो क्या हुआ था। इस पे आप कहना क्या चाहोगे? क्या इस तरीके का जो मर्डर होता है या इस तरीके के हादसे होते हैं ड्राइवरों के साथ, इन्हें कुछ मिलना चाहिए, इनका मुआवजा मिलना चाहिए, सरकार को इनको कुछ देना चाहिए? कुछ नहीं, बहुत कुछ मिलना चाहिए। जिस तरह बॉर्डर पे खड़ा हुआ वो सिपाही देश की रक्षा करता है, उसी तरह देश के अंदर रह के हमारा आंतरिक सिपाही देश को चलाता है, देश की अर्थव्यवस्था चलाता है। जो हमारे घर में, आपके घर में, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आपके घर में जो नमक, आटा, दाल, चावल, साबुन, शैम्पू, ये जितने भी ब्रेड, जो कुछ आ रहा है, ये एक ड्राइवर की बदौलत आ रहा है। ट्रक में लोड होके मेडिसिन जाती है, ट्रक में लोड होके राशन जाता है, देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है ड्राइवर, लेकिन सरकार का इस ड्राइवर पे कोई ध्यान नहीं है। आप तीन मर्डर की बात कर रहे हो, मैं बता दूं वो भारत नगर थाने की बात है, शास्त्री नगर और भारत नगर, एक ही रात में तीन मर्डर हुए थे और एक ही क्रिमिनल ने वो तीन मर्डर किए थे। आज वो तीनों के तीनों सलाखों के पीछे हैं और एक नहीं, ना जाने कितनी FIR इस फाइल में दर्ज है। ये हरिनारायण का मैं केस आपको बता दूं, हरिनारायण की लाश को पहचानने में पूरे 7 दिन लगे थे, और वो भी कैसे पहचानी गई, उसका एक भी डॉक्यूमेंट नहीं था। उसने सफारी सूट पहन रखा था, सफारी सूट के पीछे टेलर का टैग लगा हुआ था। उस टेलर के पास पुलिस गई, उस टेलर ने अपनी डायरी में देखा कि ये सूट आज से 4 महीने पहले हरिनारायण नाम के बंदे ने सिलवाया था। जब उस मोबाइल नंबर पे कॉन्टेक्ट किया गया तो वहां से पता चला कि वो 7 दिन से लापता है और उसकी लापता की FIR दर्ज है उस थाने में। ये रमेश, ये सुरेश, ये महेश, ना जाने कितनी FIR इस फाइल में दर्ज है, आज तक इनको कोई इंसाफ नहीं मिला है, और ना ही सरकार की तरफ से कोई आश्वासन, ना ही कंपनी की तरफ से कोई कंपनसेशन, और ना ही सरकार की तरफ से कोई मुआवजा, कुछ नहीं मिला आज तक, कुछ भी। तो इन लोगों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? जब वो देश का सिपाही वहां पे शहीद होता है, उसको करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, पेट्रोल पंप दिया जाता है, एक पुलिस कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, एक माली तक को मुआवजा दिया जाता है, जब वो अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको पूरा मुआवजा और उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाती है, तो ड्राइवर ने क्या गुनाह किया है? ड्राइवर समाज क्या किन्नर समाज से भी नीचे जा चुका है? किन्नर समाज को भी मुआवजा दिया जाता है, लेकिन हमारे ड्राइवर समाज को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। आखिर क्यों, ना जाने क्यों इतने ही क्यों हमारे दिलों और दिमाग में है। जिस दिन सरकार इस सवाल का जवाब देगी, उस दिन हम सरकार को वोट देंगे। दिल्ली के टैक्सी ड्राइवरों का कहना है, जिस तरीके से हरियाणा, यूपी, राजस्थान की जो गाड़ियां हैं वो दिल्ली में चलती हैं, MCT टोल देके आती हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन जब दिल्ली के अंदर से जब बाहर जाती हैं, अपने अपने राज्य में जाती हैं, तो उनसे टैक्स नहीं लिया जाता। लेकिन दिल्ली की जो गाड़ी है वो राजस्थान से या हरियाणा से या यूपी से जब दिल्ली के अंदर खाली भी प्रवेश करती है, भरी तो छोड़ो, पैसेंजर के साथ छोड़ो, अगर खाली गाड़ी भी आती है तो उससे MCT ली जाती है। ड्राइवरों का कहना है कि जो MCT है वो माफ़ की जाए, यानी खाली गाड़ियों से MCT ना ली जाए, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सही कहना है दिल्ली के ड्राइवर भाइयों का, बिल्कुल सही कहना है। अगर हमारी गाड़ी में सवारी बैठी है तो हमारे से आप 100 रुपये की MCT वसूलो, हमें कोई एतराज नहीं है, वो सवारी की जेब से जानी है। लेकिन अगर मैं द्वारका से गुड़गांवा जा रहा हूँ सवारी छोड़ने और वहाँ से खाली आ रहा हूँ, तो मैं 100 रुपये की MCT क्यों दूंगा? जब मैंने गाड़ी खरीदी थी, स्टेट टैक्स, ग्रीन टैक्स, रोड टैक्स, पार्किंग टैक्स, ना जाने कितने तरह के टैक्स मैंने भर दिए थे अथॉरिटी में, रजिस्ट्रेशन टैक्स, फिटनेस टैक्स, अब मैं दिल्ली में वापस आ रहा हूँ तो मैं किस लिए 100 रुपये की MCT दूंगा? ये तो वही बात होगी, मेरे घर के बाहर एक दरमियान बिठा दिया और उसको कह दिया कि ये सुमित भारद्वाज जितनी बार भी घर में अंदर घुसे इससे 100 रुपये ले लो। ये कहाँ का मतलब हुआ भाई? हम क्यों देंगे टैक्स, MCT का टैक्स? जब हरियाणा की गाड़ी हरियाणा में वापस जाती है तो क्या हरियाणा टैक्स लगता है? उत्तराखंड की गाड़ी उनका जो है एक अपना हरियाणा टैक्स होता है जो पहले ही इंक्लूड होता है गाड़ी में, या पहले पे कर चुके होते हैं सालाना के हिसाब से, 1 साल का भी जाता है और 6 महीने के हिसाब से भी करते हैं और मंथली हिसाब से भी जाता है, तो फिर दिल्ली में भी ऐसा कुछ लगना चाहिए? जो हम रोड टैक्स देते हैं वो कहाँ जाता है?
क्या पाकिस्तान की सड़कों के लिए देते हैं वो? हम दिल्ली की सड़कों के लिए देते हैं ना। जब हम हरियाणा में घुस रहे हैं तो हम हरियाणा टैक्स दे रहे हैं उसके रोड के लिए। जब हम दिल्ली में घुस रहे हैं तो हमने पहले ही दे दिया दिल्ली का रोड टैक्स, तो फिर किस लिए एमसीडी? जब दिल्ली में शराब मिल सकती है फ्री, एक के साथ एक फ्री, तो क्या दिल्ली में एमसीडी खाली गाड़ियों से फ्री नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? ये चोर चोर मोशेरे भाई है, जो भी एमसीडी में सरकार बैठी है उस एमसीडी सरकार के लिए एक सबक है। जब शराब फ्री दी जा सकती है तो खाली गाड़ियों से एमसीडी भी फ्री की जा सकती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी मित्रों के साथ। बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए। और हमारा यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अगर फेसबुक पेज देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।